हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल ऐसी टीच पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले हम वो देखते हैं। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम दो बार अवकलन किया गया हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पर पी क्यू और आर क्या है, एक्स के फलन है, ठीक है। तो आप जान गए कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कई मेथड इससे पिछले वीडियोज़ के अंदर, जैसे कॉन्स्टेंट कोफिशियंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके अंदर भी पढ़े हैं, ठीक है ना। यदि वो मेथड लगाने के बाद में भी अगर ये सोल्व नहीं होती है, तब हम इन जो आज से मेथड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, इन मेथड्स का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड के बारे में हम बात करेंगे, पूर्ण हल ज्ञात करना जबकि सी एफ का एक समाकल ज्ञात हो। फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज गिवन, ठीक है ना। ये सबसे पहला तरीका है, मतलब कि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए आपको कि मतलब कि सी एफ का एक समाकल आपको दिया गया हो और ऐसे बोले कि इसका पूर्ण हल ज्ञात करो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमको क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर बोला गया है कि y बराबर u क्या है, आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके समाकल, उसके सी एफ का एक समाकल है, ठीक है ना, y बराबर u, ठीक है ना, y बराबर u सी एफ का एक समाकल है, इंटीग्रल है, ठीक है ना। आपको ऐसे बोल दिया, अगर ये y बराबर u सी एफ का एक समाकल है तो जब हम सी एफ निकालते कैसे, आर को जीरो करते हैं, ये इधर वाले टर्म को सारे को जीरो कर देते हैं, फिर इसको जहाँ जहाँ कैपिटल डी होता था वहाँ वहाँ एम रख के फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वाई बराबर यू है वो इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कब, जब ये आर को जीरो कर दें हम, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये सी एफ का ही एक भाग है, ठीक है ना। तो इसको समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, ये डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू यू बराबर जीरो। जीरो तो हमने लेना ही पड़ेगा क्योंकि सी एफ निकालते हैं तो जो हमारी राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा जीरो रहती है, ठीक है ना। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर दो, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना वाई बराबर वी यू इसका पूर्ण हल है, ठीक है ना। पूर्ण का मतलब जो सी एफ का एक भाग था ना, ये इसका पूरा भाग है, ठीक है ना, इसका पूर्ण हल है ये। अगर ये हमने मान लिया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगी, दो जब गुणा में हो जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू फाइंड करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस ये हो जाएगा टू डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई बराबर वी यू डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू उठाकर कहेंगे समीकरण नंबर एक के अंदर, ठीक है ना, इस समीकरण में रख देंगे हम। तो इसमें रखते हैं हमारे सामने क्या आता है, जैसे हम सबसे पहले डी टू अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, वी डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर क्या आता है, पी डी वाई अपॉन डी एक्स होता है तो प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी डी अपॉन डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस क्या आता है, क्यू वाई आता है, क्यू और वाई की वैल्यू क्या है, वी इंटू यू, ठीक है। और बराबर क्या जाता है हमारे सामने, आर आ जाता है इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो आर आएगा, ठीक है। इसे और अब इसे हम और सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं हम डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, वाई बराबर वी यू के अंदर यू तो दिया है, हमें चाहिए वी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको वी के पदों के अंदर एक अवकल समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यू डी टू वी अपॉन डी एक्स टू तो ये बाहर आ गया, ठीक है ना। अब ले लेते हैं क्या, डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन जिसमें आ रहा है वो ले लेते हैं, जैसे यहाँ आ रहा है तो ये क्या हो गया, टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का यहाँ आ रहा है, ये हो गया क्या, पी यू। अब बच गया जो सारा, ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्या क्या बच गया, एक तो बच गया वी
डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस, और क्या बच गया, ये बच गया, नहीं ये नहीं, ये तो हो गया, और क्या बचा, ये पी वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का ये और बच गया क्यू वी इंटू यू बराबर कैपिटल आर। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे में हम यू का भाग दे देते हैं, तो ये क्या हो गया डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस का डी वी अपॉन डी एक्स, यू का अंदर भाग लगा देंगे 2/u, ये तो डी यू बटा डी एक्स प्लस का ये पी हो गया। प्लस यहाँ पर हम वी कॉमन ले सकते हैं एक, तो ठीक है ना, जैसे v को मैंने लिया और क्या आ रहा है साथ में u भी आ गया भाग में, ठीक है, तो अंदर क्या बचा डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस का p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस का q इंटू यू बच गया बराबर r बटा u। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्या है समीकरण 2 से इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं डी टू यू अपॉन डी एक्स टू प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस q u, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब कि समीकरण 2 से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस का डी वी अपॉन डी एक्स टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी, ये 0 हो गया, बचा गया आर अपॉन यू। ठीक है, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने वी के अंदर द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, ठीक है ना, तो ये तो क्या सोल्व होगा, तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो डी वी अपॉन डी एक्स है ना इसको मान लेते हैं हम टी, मान दिया, यहाँ लिख देते हैं क्या माना डी वी अपॉन डी एक्स बराबर टी है, तो क्या होगा हमारे सामने एक रेखीय अवकल समीकरण बन जाएगा, कैसे देखना, इसको हम क्या लिखेंगे फिर डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, ये तो ये हो गया क्या टी टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी बराबर आर अपॉन यू, ये हो गया क्या समीकरण नंबर 4। और आप देख सकते हैं ये क्या है एक रेखिक अवकल समीकरण है, और हम जानते हैं कि कोई भी रेखीय अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले पहले निकालेंगे उसका IF, IF कैसे निकलेगा, e की पावर आता है पी इंटू डी एक्स आता था वहाँ पर से, ये ना, और p क्या होता था, मतलब कि जैसे t है y का गुणांक होता था वहाँ पर, यहाँ पर y की जगह क्या है t, तो t का गुणांक क्या है ये, तो इसका समाकलन करेंगे हम dx के सापेक्ष, तो क्या हो गया टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इसका x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन कर देते हैं हम, तो जब डी एक्स अंदर जाएगा तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, अंदर डी यू बचेगा, सो यह लिखेंगे ई की पावर 2 बाहर आ गया डी यू अपॉन यू बच गया, ठीक है, प्लस एक, तो एक प्लस क्या बचेगा समाकलन पी इंटू डी एक्स बच गया, इसका तो लॉग यू हो जाएगा और यू की पावर में चला जाएगा 2, तो ये क्या बचा यहाँ पर यू स्क्वायर और ई की पावर पी डी एक्स, ये आ गया इसका क्या IF आ गया हमारे सामने, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5। IF निकालने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारे सामने IF की वैल्यू आई यू स्क्वायर e की पावर पी डी एक्स, जिसको हम देते समीकरण नंबर 4, ठीक है ना, ये हो गया हमारे सामने। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, जैसे y इंटू IF होता था वहाँ पर, यहाँ पर y की जगह t, तो t इंटू IF फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार हम, बराबर क्या होता है q इंटू जो IF होता था वो आएगा यहाँ पर इंटू dx होता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx ही आएगा यहाँ पर भी, प्लस कुछ भी आप कॉन्स्टेंट लिख दो c, ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है ना, तो t तो ऐसे कैसे आएगा, IF की वैल्यू रखते हैं हम क्या u स्क्वायर e की पावर p dx हो गया बराबर q क्या होता था जो इक्वल में आता था, इक्वल में क्या आ रहा है हमारे सामने आप देख सकते हैं इधर इक्वल में क्या आ रहा है r अपॉन u आ रहा है, यही q कैपिटल q की वैल्यू है, ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं क्या r अपॉन u, IF की वैल्यू कितनी है वही u स्क्वायर e की पावर पी डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें तो क्या चाहिए टी की वैल्यू निकालनी है ऐसे, क्योंकि टी का है इक्वल है, टी जानते हैं हमने डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू के बराबर माना था, हमें तो वी की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ से, तो इसका हम देते हैं इधर भाग, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा टी बराबर 1 अपॉन यू स्क्वायर e की पावर माइनस का समाकलन पी डी एक्स, ठीक है ना, ये तो हो गया बाहर, अब अंदर क्या बचा r बच गया एक, तो ठीक है u से u कैंसिल हो गया, तो ये r u के गुणा में आ गया e की पावर क्या हो गया p समाकलन dx हो गया, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम ब्रैकेट में इंटू डी एक्स प्लस का, अब जो c है c के अंदर भी इसका भाग लेगा, तो क्या हो गया c अपॉन तो u स्क्वायर हो गया और e की पावर माइनस का p dx, ये हो गया, इसको लेते हैं समीकरण 5, तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हम जब p की वैल्यू r की वैल्यू u की वैल्यू सब रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना,
इतना तो आपको सोल्व कर लेना है वहां पर क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे क्या करना है आपको, आप जानते हो हमने क्या माना था, टी बराबर क्या है मेरे सामने, डी वी अपॉन डी एक्स है, यहां से टी की वैल्यू निकल आएगी, उसको हम डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर रख देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू डी एक्स बराबर डी वी, फिर हम कर देंगे इसका समाकलन, तो समाकलन क्या हो जाएगा, टी इंटू डी एक्स इधर समाकलन और डी वी का इधर समाकलन, तो क्या हो जाएगा, जैसे वी बराबर टी एक्स प्लस सी वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वहां पर v की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। यहां से तो हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, फिर उसको समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष में, तो हमारे सामने v की वैल्यू आई, और v की वैल्यू उठा के हम कहां रख देंगे, जहां पर y बराबर uv था ना, तो v की वैल्यू और u की वैल्यू को गुणा कर कर हम उसका पूर्ण हल फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप जब आपको सी एफ का एक समाकल दिया गया हो तो संपूर्ण हल फाइंड कर सकते हो।